the Gyanvapi case. It's D-Day for the Gyanvapi case, as the Varanasi court is all set to give crucial order on the carbon dating of Shivling today. Now, this comes after the Hindu side requested carbon dating of Shivling, which will in fact prove how the structure was made, further determining the age to end the dispute. But the Muslim side has cited that the carbon dating may violate the Supreme Court order of keeping the structure safe. Meanwhile, security has been tightened in Varanasi as a threat was received to blow up the court last week ahead of the crucial verdict. Listen into some reactions. आज हमारी विजय हो, हम हर बार जो है, चाहे जो है सर्वे के पूर्व हो या 12 तारीख का फैसला हो, आज पुनः सात जो है 7 तारीख है, जो है बाबा के श्री चरणों में हम नमन करने आए हैं कि बाबा हमारी जीत हो। कार्बन डेटिंग की मांग कर रहे हैं, हमारे लक्ष्य माननीय न्यायालय में यह कहे थे कि कार्बन डेटिंग के अतिरिक्त जो भी अयोध्या की तरह जो भी फैसला हो, जो जापानी तकनीक के माध्यम से हो, रडार प्रणाली के माध्यम से हो, जिनसे भी जो भी हो, बिना मूर्ति के छेड़छाड़ किए, बिना मूर्ति को जो है नुकसान पहुंचाए, ऐसा कोई तकनीक हो, वैज्ञानिक पद्धति हो, जिससे माननीय न्यायालय से अनुमति हमने किया था, वैसा ही वह आज का निर्णय पूरी तरह पैराडाइम शिफ्ट कर सकता है और ये पूरा निर्णायक होगा, जिससे ये सदियों का संताप और तितिक्षा प्रतीक्षा जो की जा रही थी, उस आज के आदेश से माननीय न्यायाधीश महोदय अगर हमारे पक्ष में निर्णय दे देते हैं, जैसा कि हम आशान्वित हैं, तो स्वाभाविक है कि इसमें भविष्य में ढेर सारे न्याय के मार्ग खुलेंगे और ये जो धार्मिक सांस्कृतिक अन्याय है हिंदुओं का, सनातनी हिंदुओं को के साथ हो रहा है, उसका मार्ग प्रशस्त होगा और शीघ्र न्याय प्राप्त होगा। इसमें जहाँ तक कार्बन डेटिंग की बात है, शिवलिंग की, तो आज इतना वैज्ञानिक विश्लेषण हो गया है, विज्ञान इतना उन्नत हो गया है पुरातत्व का, कि वो बिना किसी चीज़ को क्षति पहुँचाए, हानि पहुँचाए, एक एक बिंदुओं का परीक्षण कर ले। हम लोगों ने कहा था कि एक साइंटिफिक टेस्ट आप जाँच करवा लें, वैज्ञानिक जाँच जो भी उचित हो, संभव हो। उस शिवलिंग जो प्राप्त हुआ है कमीशन के दौरान, उस शिवलिंग का कहीं किसी प्रकार का नुकसान न हो, बिना उसको क्षतिग्रस्त किए, बिना उस आस्था आराध्य के प्रति जो आस्था है, वो आस्था कहीं चोटिल न हो, इसको बचाते हुए जो भी वैज्ञानिक विधि हो जांच कर लें, और जांच करने के बाद जो है ये निश्चित हो जाए, जो भ्रम देश में फैला है कि फव्वारा और शिवलिंग का जो भ्रम है ये समाप्त हो जाए इस देश के सामने। इसलिए हम लोगों ने कहा कि माननीय न्यायालय से कहा कि आप इसकी जांच करवा लें, मिला के जो है आज जो फैसला आना है, वैज्ञानिक विधि जो भी सर्वोत्तम विधि हो यह सही तय करेगा। हम लोग देखिए इसके विशेषज्ञ, हम लोग बाबा से मतलब प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी मतलब न्यायालय से जो भी निर्णय होगा हम लोग के पक्ष में हो, और एक नया मतलब सर्वे का ही करें कि जो भी बाबा का जो शिवलिंग है, जिसको मुस्लिम पक्ष कह रहे फवारा है, हम लोग कह रहे शिवलिंग है, इसकी भी थ्योरी मतलब समाप्त हो। मतलब दोनों पक्ष आपस में कह रहे हैं जो भी हो, इससे क्या है कि जो मतलब कार्बन डेटिंग है, जो भी मतलब बिना बाबा को छुए जो भी पद्धति से इसका हो सकता है वो करवाएं। Amir is joining us from outside the court. Let's go across to him. We heard those reactions. The Hindu side wants a scientific process to be followed to determine the age of what they call is a shivling and what the Muslim side calls is a fountain. And a crucial verdict is expected on that. By what time can we expect the verdict to come out, Amir? Well, Swati, the court here, district judge court here, will sit within an hour, around 2 p.m. That is post-lunch for hearing into the entire matter. It is definitely the D-Day as far as the Gyanvapi case is concerned, because as per the application that has been moved by the Hindu side, the lawyer advocate Vishnu Shankar Jain, on the last hearing on the 29th of September, he of course has demanded the carbon dating as well as archaeological survey of India survey on the object that has been found out in the survey that was conducted by the orders of the civil judge court here in May last. And therefore it is going to be very, very crucial for the entire case, because the entire case definitely rests on the fact whether the claims that have been made by the Hindu side actually hold some water or not. And
Definitely, if a carbon dating survey is done, if an ASI mandated survey is done, it definitely will prove to a certain extent that the object that has been found right in the middle of the Wuzu Khana in the survey that was conducted in May last, whether it is actually a shivling, you know, as has been claimed on multiple times by the Hindu side, or is a fountain, as is being claimed by the Muslim side. Now, the Muslim side was definitely against the survey being conducted or a carbon dating you know, process being done on the object, because they believe that this will open up new avenues for the Hindu side, not just here in the district judge court, but also further in the High Court or the Supreme Court when the matter goes there for hearing. But Swati, let me tell you what is interesting about this hearing is that a section of you know, Hindu applicants and litigants are also opposing the idea of carbon dating happening. Okay, hold on to that thought. You're saying objections are coming in from the Hindu side as well. That's very interesting. We'll discuss that in detail, Amit.